विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना बसंत पंचमी मनाते हुए सभी विद्या भवनों में तथा स्कूलों में की गई एवं माँ सरस्वती से गुरुजनों सहित विद्यार्थियों ने भी इस अवसर पर विद्या का वरदान मांगा। 5 फरवरी को पूरे भारत वर्ष में बसंत पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में भिलाई शहर में भी लगभग सभी स्कूलों में बसंत पंचमी के अवसर पर विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना और वंदना की गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद में भी स्कूल परिसर में विराजमान माँ सरस्वती की प्रतिमा पर सर्वप्रथम माल्यार्पण कर धूप दीप प्रज्वलित किए गए। गुलाल चंदन का टीका लगाकर माँ शारदे से विद्या का आशीर्वाद मांगा गया। इस आयोजन में स्कूल के विद्यार्थियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं उन्होंने भी माँ सरस्वती से विद्या का वरदान मांगा। स्कूल प्रबंधन द्वारा इस अवसर पर विद्यार्थियों के मध्य प्रसाद एवं मिष्ठान का वितरण भी किया गया। साथ ही माँ शारदा भवानी से यह प्रार्थना की गई कि आज के परिवेश में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, माँ शारदा उन्हें इतना सामर्थ्य दे और उनके पालकों को सद्बुद्धि दे कि शिक्षा का महत्व समझकर वे भी अपने बच्चों को विद्या के मंदिर तक लाने का प्रयास कर सकें, जिससे भारत का निर्माण करने वाले बच्चों को पूर्णतः शिक्षित किया जा सके। आज 5 फरवरी वसंत पंचमी का दिन, आज माँ शारदा की वंदना का दिन, आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद में माँ सरस्वती का पूजा अर्चन किया गया। सभी विद्यार्थी एकत्रित हुए थे और पूजा अर्चन के दौरान माँ सरस्वती से विद्या में सहायता करने के लिए प्रार्थना की गई, मनोकामना की गई कि सारे विद्यार्थी विद्यार्जन कर लें। इस पावन अवसर पर मैं भी माँ सरस्वती से एक मनोकामना कर रही थी कि आज का दिन उनका दिन है, तो आज ऐसे विद्यार्थी जो विद्या से दूर हैं उनको विद्यालय तक या विद्या के समीप तक आने का आशीर्वाद दें माँ, ताकि वे भी विद्यार्जन कर सकें, उनके पालकों को सद्बुद्धि दें कि वे अपने पाल्य को विद्यालय तक, विद्या के अर्जन तक पहुंचा सकें। सभी विद्या ग्रहण करें, इसी मनोकामना के साथ आज मैं पूजा अर्चना की। बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हुए सभी ने एक स्वर में विद्या की देवी माँ सरस्वती से विद्या का वरदान तो मांगा, साथ ही स्कूली विद्यार्थियों सहित पूरे देशवासियों को कोरोना जैसे महामारी से सुरक्षित रखने प्रार्थना भी की गई। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।